तो क्या होता क्या है? देखो यार, क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई नंबर है, ठीक है, मान लो एक्स नंबर है, ठीक है, फैक्टर इसका निकालिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालिए, मान लो चार फैक्टर निकला, दैट इज एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ये चार प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब हमें पता करना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज एक्स थ्री, तो योर आउटपुट हैज टू बी एक्स थ्री। इसका मतलब एज ए यूजर मैं तुम्हें कोई नंबर दूंगा, आपको बताना होगा कि इसमें से इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? तो चलिए प्रोग्राम लिखिए इसका फटाफट, राइट, प्रोग्राम करिए फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी शुरू करिए ऑल ऑफ यू। श्रेया है क्या? क्वेश्चन देखो आशीष ऐसे है, मान लो तुम्हें कोई यूजर है, वो नंबर दिया, मान लो कोई नंबर दिया तुम्हें 10, ठीक है, 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 5, इसका इसमें 2 प्राइम है क्या, 5 प्राइम है क्या, तो इसमें बड़ा प्राइम कौन सा है, तो आउटपुट विल बी 5, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं पूछा था ज्वाइन करी हो ना, बस ये पूछा था, ठीक। देखो टोटल ना हमें, ये ना वो नहीं है, ये स्पॉन्सर लिखा है ना, इसको ओपन करोगे ना तो अप्लाई ना पे जाओ, ये ना किसी देखो स्प्रिंग रोल करके आ रहा होगा किसी का, और करो करो कॉल करेगा ये। कितना ले रहा है? कितना ले रहा है? लाख ले रहा है। हाँ लाख ले रहा है।
हो गया जी, एक तो किसी ने दिया है। ठीक है, नहीं हो रहा है क्या? मैं करूं ट्राई? हाँ कर लो। किसी वेरिएबल को एक्स डॉट मीन्स, मान लो एक लिस्ट है, एक लिस्ट है एक्स, मुझे इसमें कुछ अपेंड करना है, तो आई कैन राइट एक्स डॉट अपेंड वो वेरिएबल, तो ये वेरिएबल एक्स में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन पा रहा है क्या? करे देखो, ध्यान से देखो, लेट्स ट्राई टू डू दिस। देखो हमें क्या करना है, हमें तो पहले तो काम ये करना होगा कि सबसे बड़ा प्राइम फाइंड करना है। ठीक है, अब मान लो मुझे प्राइम नंबर तो पहले पता ही नहीं करना ना, जैसे मान लो मैं मुझे कोई नंबर देता है कि 20 पद में बताइए कि कौन सा जो जो कि इसका फैक्टर हो और सबसे बड़ा प्राइम हो। फैक्टर क्या होता है कोई भी नंबर का? जैसे 20 का फैक्टर क्या होगा? चार होगा, चार से डिविजिबल है, पांच होगा, दस होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम क्या करें, मान लो कोई नंबर बोले एक्स, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर क्या होगा, हमेशा एक तो वन हो सकता है, वन से बड़ा होगा, एक्स तक होगा, यही यही चीज तो फैक्टर हो सकते हैं। कोई भी नंबर है उसका फैक्टर क्या पॉसिबल है? वन पॉसिबल है, टू पॉसिबल है, उस नंबर तक। नंबर अपने आप का एक फैक्टर है, दस दस से डिविजिबल है ना? तो कोई भी नंबर को देखा तो वन से लेकर वहां तक लूप चलाते हैं, पर देखते हैं कौन कौन नंबर है जो फैक्टर है। मान लो कि जैसे 20 का है, अब 20 का अगर मैं लूप चलाऊं वन से लेकर के 20 तक, तो पहले तो वन इंडिविजुअल होगा, बट वन फैक्टर, वन हमारा प्राइम है ही नहीं, है ना? है ना, है क्या? नहीं है ना, हम तो मानेंगे नहीं। दो को और होगा भी तो मैं बड़ा आंसर यहाँ पर भी वो नहीं करेगा। दो को चेक करेंगे, दो देखो, दो 20 को डिवाइड भी करेगा और फैक्ट प्राइम नंबर भी है, तो इसको स्टोर कर लीजिए कहीं पे। फिर तीन, तीन को 20 डिवाइड ही नहीं कर रहा, चार, चार 20 को डिवाइड कर लेकिन प्राइम नहीं है, तो इसको स्टोर नहीं करेंगे। पांच, पांच 20 को डिवाइड भी कर रहा है और प्राइम भी, तो इसको स्टोर कर लेंगे। फिर छह नहीं डिवाइड कर रहा, सात भी नहीं कर रहा, आठ भी नहीं, दस कर रहा है, पर दस प्राइम नहीं, तो इसको स्टोर की जरूरत नहीं है। अब दस के बाद किसी से डिविजिबल हो पाएगा क्या वो नंबर? नहीं हो पाएगा। आधे के बाद वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से होगा। ठीक है, पॉइंट बात समझ में आएगी नहीं है? तो इसका मतलब शॉर्ट, अगर बहुत ही बुद्धि लगा कर प्रोग्राम लिखा जाए तो पहले तो जो नंबर है उसी को चेक कर लो कि प्राइम है कि नहीं है, क्योंकि अगर वही नंबर प्राइम होगा सबसे बड़ा फैक्टोरियल वही मिल जाएगा, है कि नहीं? है ना, चलो कोई नहीं, मैं बना रहा हूँ, तो वही प्राइम हो गया। तो पहला अगर प्रोग्राम लिखना है इस क्वेश्चन का, जो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होगा, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि जो पहला नंबर ही मिले, नंबर है, हाँ बताओ, कैसे दे देगा? तो प्रोग्राम गलत है ना तुम्हारा,
जो 12 में 11 थोड़ा डिविजिबल होगा ये। हाँ तो तुम्हें देखा है, लेकिन तुम्हें उसको रखना नहीं है ना, तुम्हें तो फिर चेक करना है को प्राइम है कि नहीं है, तुम्हारा प्रोग्राम फिर फुल कंप्लीट नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ ना हेमंत यहाँ पे कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रोग्राम सही होगा, तुम्हारा कोई ना कोई डॉट इधर से उधर हो गया होगा और वो चेक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि तो तुम्हारा प्रोग्राम लॉजिक गलत नहीं होगा ये मुझे पता है। ठीक है, देखो इधर जी, कहाँ से देखिए इधर, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है एक्स, ठीक है कोई नंबर है, मुझे पता करना है कि सबसे बड़ा फैक्टोरियल। पहला काम करिए इसको पता करिए कि प्राइम है कि नहीं है, अगर यही प्राइम है तो हमारा आंसर ही हो गया, है कि नहीं। अगर ये प्राइम नंबर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, 2 से लेकर के एक्स बाई टू तक एक लूप चलाऊंगा, मतलब एक्स बाई टू प्लस वन तक। क्यों? क्योंकि 10, 20 जो है वो 11 थोड़ा डिविजिबल हो सकता है, 10 के बाद तो किसी डिविजिबल ही नहीं होगा, सीधे अपने आप से होगा। कोई नंबर हाफ के बाद कहां डिविजिबल हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो आधे से प्लस वन तक लूप चलाएंगे। अब इसके बीच में जो जो नंबर उसको डिवाइड करेगा एक्स को, उसको पता करेंगे वो प्राइम है कि नहीं है। अगर प्राइम है तो एक लिस्ट में सबको स्टोर करा लेंगे और इस लिस्ट का मैक्सिमम को हमारा रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट इसलिए प्रोग्राम से बेस्ट है क्योंकि इस बहुत ही कम लूप में चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया प्राइम है तो यही निकल जाएगा, है ना, और नहीं तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे। डन, क्लियर हो गया, समझ में आया। अब कोई लोग जो 1 से लेकर x तक लूप चला रहे हैं, x प्लस 1 तक, वो जबरदस्ती बड़ा लूप चला रहे हैं ना, क्योंकि 10 जो है वो 5 से डिविजुअल हो सकता है, 5 से ऊपर तो नहीं डिविजुअल हो सकता है, किससे, अपने आप ही से होगा ना, ये तो लॉजिक समझ में आ रही है ना। तो अब देख रहा हूँ मैंने सब लोग क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर x प्लस 1 तक लूप चला रहे हैं, मत चलाओ ना जबरदस्ती का, आपका लूप बढ़ेगा। तो अब आप इस स्टेज पर खड़े हो कि आप प्रोग्राम मत लिखो, बढ़िया प्रोग्राम लिखो, है ना। मैं शुरू में सब नहीं बोला था, मतलब आप रिजल्ट लाओ, है ना। अब वो दिन लद गए ना, अब आप जो लिख रहे हो देखो कि उसमें और बढ़िया क्या हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि हम लोग इतने दिन से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अब इतना तो समझ गए ना कि प्रोग्राम लिखना क्या है। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, और इसलिए सही तो सब है, वो भी तो सही होता, लेकिन और सही क्या हो सकता है, कितना हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बचा सकते हैं, ये सब चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, तो लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो इसको करते हैं यहाँ पे, हेमंत मैं कर रहा हूँ, देखो वैसे तुम्हारा गलत नहीं होगा, फिर भी देखो इधर, मान लो किसी ने कोई नंबर दिया, मे बी एनी नंबर, सो लेट्स टेक इट्स 200, ठीक है। सबसे पहला मैं काम क्या कर रहा हूँ, इसी को पता करूँ कि प्राइम है कि नहीं है, इसी को पता कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, है ना, कोई नंबर प्राइम नहीं हुआ इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको भी मैं चाहूँ तो, देखो ये नंबर जो है ये प्राइम है कि नहीं है, पहले नंबर, इसको भी मैं चाहूँ तो इसको टू, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर जो आज तक प्राइम निकालने का तरीका बताया हूँ उससे थोड़ा अलग बता रहा हूँ। हमेशा प्राइम निकालने का तरीका क्या बताया था, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं कैसे पता करते हैं हम, क्या मैंने क्या लॉजिक बताई थी, बताओ आप बताओ क्या पता, रुको 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 रुक जाओ, ऑनलाइन में रुक जाओ, आप बताओ। ठीक, फिर क्वेश्चन नहीं सुना अपने ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई नंबर प्राइम नंबर है पता करना है तो लूप कैसे लिखेंगे, बता रहा हूँ कि कम से कम 4-5 बार हमने प्राइम नंबर क्वेश्चन किए होंगे, सोचो जरा, गलत बात है सूर्या, है ना, क्योंकि पार्टी में इतना बिलीन मत हो जाओ कि इतना भी आंसर ना दो, क्योंकि क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं ना,
सिंपल प्राइम निकलवाया होगा, लिस्ट का प्राइम निकलवाया होगा, कई बार किसी ने प्राइम फिर से पूछे होंगे, फिर से बताया होगा, है ना। कोई ऑनलाइन बताएगा प्राइम नंबर कैसे के लिखते हैं? मैंने, तुम लोग ना एकदम ध्यान से सुनते नहीं हो, प्राइम नंबर का प्रोग्राम जो मैंने लिख पहले बताया था वो मैं आज चेंज करूँगा। पहले जब मैं कह रहा था कि एक लूप चलाओ फॉर आई इन रेंज, और कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर के एक्स प्लस वन तक, याद है। और कहा था इफ एक्स डिवाइड आई इजिकल टू जीरो, जो तुम्हारा के है उसको जीरो रखो और के को के प्लस वन कर दो, है ना। और बाहर आके चेक करो कि अगर के की वैल्यू सिर्फ दो के बराबर है तब तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ वन और अपने आप से डिविजिबल हो और किसी से ना हो। तो ये हमने एक से लेके चलाया और एक से चलाया है, तो दो बार कब होगा, जब सिर्फ एक से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, है ना। बीच में किसी और से डिवाइड होगा तो इसके लिए थ्री हो जाएगी, क्योंकि वन और अपने आप से तो हर नंबर डिविजिबल है ना। तो ये तरीका मेरा था प्राइम नंबर निकालने का, बट ये बिगर है, लेकिन मैं समझ रहा था कि आसान तरीका था, आज मैं इसको नहीं बता सकता। अब देखो, क्योंकि आप लोगों को अब आइडिया हो गया है, तो लेट्स गो लिटिल बेटर प्रोग्राम, इससे थोड़ा बढ़िया प्रोग्राम पे चलते हैं। ध्यान से देखो, बढ़िया, हाँ बताओ, हाँ 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 अरे मुझे वो रिजल्ट से मतलब नहीं था, यहां था कि मैक्सिमम थ्री तुम्हें देना था बस। हाँ तो अब मुझे क्वेश्चन करने दो फिलहाल, है ना। तो देखो इधर ध्यान से, तो देखो मैं प्राइम नंबर अलग इस बार कर रहा हूँ, अभी तक जो बताया उससे अलग। ध्यान से देखो इधर, इधर देखो ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर कोई नंबर इसका मतलब क्या है, कि वो वन से और अपने आप से डिविजिबल हो, बीच में किसी से भी हो तो उसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको टू से लेके और एक्स बाई टू प्लस वन तक कर रूप चला दूँ, और इसमें कहीं भी डिविजिबल तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक्स बाई टू के बाद तो ऐसे भी डिविजिबल नहीं होना है ना। तो लूप चलाएं क्यों उससे आगे, लूप बचा रहे हैं ना। देखो एक तो यही लूप बचा, एक से लेके आप दो शुरू कर दिए, एक्स बाई टू कर दिए, इसका मतलब सीधे हाफ कर दिए, हाफ माइनस वन कर दिए लूप आप, तो टाइम बचा ना आपका प्रोग्राम बनाने में। गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, ठीक है सर। अब ऐसे करने हैं अपने को, तो ये मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो नाउ I have to check whether it's prime number number not. Let me write here k is equal to 0. मैं एक लूप लिखता हूँ for I in range 2 to क्या x by 2, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब x by 2 आप करें तो ये ऐसे हो x by 2 plus 1. इसका मतलब समझते हो ना, इंटीजर देगा ना केवल, पता है ना इसका डबल का मतलब। देखो अगर नंबर 5 होता, 5 डिवाइड 2 2.5 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, आई नीड इंटीजर ना, दैट्स व्हाई इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम, अब हमने लूप चला लिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं इफ x डिवाइड i, अगर एक भी बार डिवाइड करो तो काउंटर को बढ़ा दो। अभी बताओ मुझे प्राइम चेक करना है, काउंटर की वैल्यू, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन। ध्यान से देखो, और कोई प्राइम नंबर होगा तो के की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी ना, वेरी गुड। अगर भाई हमने वन से चलाया, दो से लूप चलाया, तो प्राइम नंबर के की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, एक भी बार डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो नंबर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है सर। क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हाँ समझ बात को ना, लूप दो चला है ना, एक चला तो एक, तो एक दुनिया का हर नंबर को डिविजिबल करता है ना, जीरो करता है तो हूं क्या कर रहे हो, जीरो को नहीं करता ना, वन से सबको करता है ना, नेचुरल नंबर करता है। तो इसका मतलब जो है कि अगर वन चलाया नहीं है, टू चलाया है तो वन वाला केस ऐसे ही खत्म, एक्स लिया नहीं है तो एक्स वाला भी काम खत्म। तो इसका मतलब प्राइम नंबर होने के लिए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इससे जो पहले प्राइम नंबर प्रोग्राम करते थे थोड़ा उसी मॉडिफाइड है, ये बेटर है, लेकिन उस समय बता दो तुम लोग इसी में फंसे रहते, ये हाफ क्यों चला रहे हो, पूरा क्यों चला रहे हो,
इसलिए ऐसा करा था, ठीक है। अब शायद तुमको समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। स्लोली स्लोली वी ट्राई टू, अब जिसके बाद जो भी हम प्रोग्राम लिखे ट्राई टू मेक बेटर प्रोग्राम ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ k इजिकल टू जीरो, अगर k की वैल्यू जीरो है तो क्या है, प्रिंट वॉट x इज अ, है ना, यहाँ पर लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। Else, x is, this is not a prime number, ठीक है। तो जरा x अपना ले लीजिए, 200 है ये आपका, तो जरा कॉपी करिए यहाँ पे और यहाँ पे लिख के चेक कर लीजिए, देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो ओके, गिव एनी प्राइम नंबर लाइक 29, 29 प्राइम नंबर ना, डन, सो ओके, करेक्ट, ठीक है। अगर मेरा x प्राइम हो जाता तो काम मेरा खत्म होता, आगे बढ़ने जरूरत ही नहीं है, है या नहीं। लेकिन अगर x प्राइम नंबर नहीं है तो है? आगे चलना पड़ेगा, आगे नहीं चलना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन नंबर है जो जिस जो इसका फैक्टर है और वो प्राइम है कि नहीं, कौन कौन सा नंबर है जो इसका क्या है फैक्टर है और वो क्या है, गॉट इट, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा था ना केवल प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन में जो उसने बोला था वो बोला जो फैक्टर होने चाहिए सारे वो प्राइम होने चाहिए, है ना, ऐसा बोला था क्या, तो फिर क्वेश्चन और दूसरा दूसरे तरीके से बनेगा, एक एक मिनट रुकना है, एक मिनट, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं रुक जाऊँ, हाँ बोलो मेरा, नहीं बट आई एम सेइंग दिस सीधी, सपोज दिस इज अ 20, ओके, 5 × 4 इज 20, करेक्ट, ओके, बट गुड थिंग इज दिस, 5 × 2 × 2 इज इक्वल टू आल्सो 20, सो इट मीन्स 5 इज अगेन अ प्राइम नंबर, है ना। सो क्योंकि कोई भी नंबर होगा तो एंड ऑफ द डे वो मल्टीप्लाई होगा तो प्राइम से ही मिल रहा होगा ना, है ना, कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो, रेंडम नंबर बोलो, कोई भी 24 6 × 4 = 24 होगा, दिस इज 3 × 2, दिस इज 2 × 2, दिस इज अ फैक्टर, दिस इज द प्राइम फैक्टर्स, है कि नहीं। तो हर नंबर प्राइम फैक्टर से तो मल्टीप्लाई को बनेगा, किसी भी नंबर को हम ब्रेक करके प्राइम फैक्टर ला सकते हैं ना, नहीं ला सकते, वो बस डिविजिबल होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। अभी को 17 करके दिखाओ तो 17 × 1 बनेगा, फिर ऐसा नहीं 2 × 3 बन जाएगा ना, 17 खुद ही प्राइम नंबर है ना भाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट। देखो यहाँ पर एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिसन केयरफुली, पता नहीं तुम लोग को आइडिया है कि नहीं। देखो एक्चुअली ना प्राइम नंबर इज सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें कभी मौका मिले उसके बारे में पढ़ना है, क्यों नहीं। देखो इधर मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर कोई भी ले लो, मान लो 29 ले लो, 37 ले लो, 47 ऑल्सो प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, है सारे प्राइम नंबर है, क्या तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, क्या प्राइम नंबर को ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी नंबर है, इसके अलावा जो भी नंबर है ब्रेक होके इन्हीं प्राइम नंबर से ब्रेक होके मिल जाएगा, मतलब प्राइम नंबर के मल्टीपल से मिल जाएगा, कोई भी नंबर बोल दो जो तुम मन है, विश्वास नहीं हो रहा ना, मांगो कोई नंबर बोलो, 100 26 26 तो बहुत आसान हो गया, 26 ये तो प्राइम लो ना, इधर से मिल गया ना, और कोई नंबर बोलो, बढ़िया नंबर बोलो ना, 36 क्या था,
मतलब कहने का सेंस समझ गए ना, दुनिया का हर नंबर जो है ना प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर मिल जाएगा, ठीक है। और हम जो कंसेप्ट लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बड़ा वाला रहेगा वो तो आ ही जाएगा उसमें, क्योंकि वो किसे नहीं कर सकता ना। देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, 26 का और कोई मल्टीपल बताओ, 13 मल्टीप्लाई 2 के अलावा और बताओ कोई मल्टीपल है, सोच के बताओ है कोई है मल्टीपल, क्योंकि 13 खुद ही प्राइम हो गया ना, सबसे बड़ा प्राइम ही हो गया और ये उसके डबल ही है, तो और कोई मिल ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो इस चीज को, गेम को पूरा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है उसमें एक प्राइम नंबर मिल गया तो उससे बड़ा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, फिर सबसे बड़ा नंबर जो मिल गया अब उसका ब्रेक ही नहीं पॉसिबल है तो छोटा हो ही नहीं पाएगा। एनीवे इस पे ज्यादा बहुत बहस नहीं करते, हम आते हैं अपने काम पे, हमारा काम एकदम सही जा रहा है। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें क्या करेंगे, हम 2 से लेकर के और x by 2 plus 1 तक एक लूप चलाते हैं, ठीक है। पता करते हैं इसमें से कौन कौन से हैं जो उसके फैक्टर हैं, फैक्टर है मतलब वो डिविजिबल हैं, उसके बाद अगर डिविजिबल है तो उसको पता करते हैं वो प्राइम है कि नहीं है। नहीं अगर देखो अगर अगर पहले प्राइम पता करेंगे तो हमको अननेसेसरी सबको प्राइम पता करना पड़ेगा, उस प्राइम पता करना ज्यादा कठिन है डिविजिबल पता करना, तो बड़ा लूप कौन चलेगा, टाइम किस ज्यादा लगेगा प्राइम में ना। डिविजिबल तो क्या होता है, तुम्हें कोई नंबर पता कर... देखो तुम सब लोग बना पड़ो, बट आपको बढ़िया प्रोग्राम बनाना है ना। अब जैसे ये भी बता रहा है कि पहले प्राइम कर लो फिर ये कर लो, बट वो दिक्कत है ना उसमें, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्राइम पहले पता करेंगे तो प्राइम विल टेक टाइम ना, डिविजिबल विल टेक लेस टाइम। आपको सिर्फ क्या करना है, इफ एक्स डिविजिबल आई इजिकल टू जीरो, पता चलेगा कि उसका है कि नहीं है, अगर वो है तब प्राइम पता करें ना, पहले प्राइम सारा पता क्या फायदा। करेक्ट, हाँ बोलो। रुको यार अभी करा रहा हूं तो कैसे करूंगा, थोड़ा करा तो नहीं क्वेश्चन, ठीक है डन, समझ में आ गई बात, क्लियर हो रही मेरी बात, क्लियर हो रही है ना। तो अपने को पहले क्या करना चाहिए, डिविजिबल निकालना चाहिए, फिर पता चले वो प्राइम है कि नहीं है। अच्छा चलो मैं जब तक इसका कोड देखता हूँ, इसका और बेटर एक तरीका सोचो जरा, जो इससे भी कम लूप में चल जाए। सभी लोग तक मैं इसका कोड देखता हूँ विशाल का, तब तक सभी लोग देखो एक बार, फॉर आई इन रेंज 1 से x प्लस 1 तक। ये बताओ तुमने x प्लस 1 तक लूप को चलाया विशाल, अच्छा पहला है क्या वो पहले के लिए, विशाल क्या यार x प्लस 1 तक लूप क्यों चलाया, हाँ गलत चला है ना, इतना चलाना जरूरत ही नहीं है, आंसर है क्या दैट्स नॉट। देखिए अब तुम उस स्थिति में नहीं हो, अब मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि आंसर निकाल के लिखा लो, क्योंकि आंसर तो तुम निकाल ही लोगे मुझे पता है, ये तो ना मैं तुमसे मतलब कहूंगा कि आंसर निकालो बस, वो मुझे पता है तुम निकाल लोगे। अब ये देखो कि इसको बेटर कैसे बनाया जाए इस प्रोग्राम को, ठीक है। हाँ आंसर तुम निकाल ही लोगे ना यार, अरे गलत मैंने क्या बोला अभी, गलत नहीं है, मैंने ये बोला कि बढ़ी और बढ़िया या बढ़िया, सही होने का मतलब ये होता है कि बढ़िया है। बोलो अंतर समझ में आ रहा है, हाँ तुम्हारा सही है नॉट गलत है, बट आई एम आस्किंग कि थोड़ा बढ़िया प्रोग्राम बनाओ। अब दूसरा तरीका बताया, जो बताया मैंने अभी वो बढ़िया था, मैंने कहा इससे और बढ़िया सोचो एक तरीका, और कोई सोच पा रहा है तो और कोई सोच पा रहा हो ना तो बहुत जरूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ मैं एकदम तुरंत। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी तो हम लगा ही रहे ना, ये तो वो लॉजिक जिसको पता होगा वही शायद कर पाएगा ना, मुझे खुद ही नहीं पता वो लॉजिक है ना, वो तो कोई रूल होते है ना कुछ स्कूल में पढ़ते थे वो, वैसा रूल तो नहीं, बट जस्ट एक तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। सी दिस,
वो एचसीएफ में बताया था। देखो इधर अपन क्या करें, अपन सबसे बड़ा नंबर निकालना है ना, प्राइम नंबर। तो जो हम इधर देखो ध्यान से, जो हम लूप चला रहे हैं टू से लेके एक्स बाई टू प्लस वन तक, क्यों ना ऐसा करें कि इसको एक्स बाई टू प्लस वन से लेकर के वन तक चलाए और माइनस वन का स्टेप डाल दे, है कि नहीं। तो हम ऊपर से चेक करते शुरुआत करते हैं बड़े नंबर से, जो ही नंबर डिविजिबल होगा उसको चेक करते हैं प्राइम नंबर, जो ही सबसे बड़ा प्राइम मिल जाएगा वो हम बाहर निकल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। नॉट समझ में, बात समझ में आई है ना। तो ये अब एक मिनट ना गाइस मैं आ रहा हूँ, इसको तब तक डाइजेस्ट करो, मैं एक मिनट में आ रहा कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ये सबसे कम लूप पीछे चलेगा, है कि नहीं, है ना, गॉट इट। तो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस ना, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा आपका लेवल बेटर हो गया है ना, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस भी ढंग से करना चाहिए, जो सामने वाला देखे तो एकदम मोहित हो जाए, उसे लगे कि हाँ यार बंदे को पता है चीज़ें, है ना, ढंग से पता है। देखो इंटरव्यू ना 10 लोग हैं, अगर एक दो स्टेज आप मान लो पहला स्टेज तुमने ब्रेक कर दिया, तो दूसरे स्टेज पे जो लोग पहुंच रहे हैं सब फिल्टर होके आ रहे हैं ऑलरेडी, है ना, सबको बराबर नॉलेज है। अब जीतेगा वही जो उसको ना इंटरव्यूअर को थोड़ा सा उसको कुछ चीज़ें अलग तरीके से बता दे, और उसे लगे कि यार इसको कुछ चीज़ें पे अलग तरह से पकड़ है, राइट माय पॉइंट। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बाकी लोगों को थोड़ा एक एज देती है, और इस पर फोकस करना चाहिए। तो सभी लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ये किसी को दिक्कत आएगा क्यों, करें इसको, करता हूँ। चलो देखो इधर ध्यान से, मैं क्या करता हूँ इधर देखो, मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, मैं देखो लिखता हूँ x बाई टू प्लस वन, यहाँ चलाता हूँ कॉमा वन तक जाता हूँ, स्टेप रखता हूँ माइनस वन का, ठीक है डन। अब मैं चलता हूँ इफ x डिविजिबल हो i से, अगर ये फैक्टर हो, सॉरी अगर ये फैक्टर हो, अगर ये मेरा फैक्टर हो तो मैं चेक करता हूँ क्या ये प्राइम है कि नहीं है। प्राइम होने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ इस कोड को, जस्ट आई वॉन्ट टू कॉपी दिस, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ प्राइम वाला कोड जो ऊपर लिया था, उसको बस यहाँ पे एक बार फिर से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक करता हूँ, और टैप करता हूँ एक, और एक और टैप करता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं ये, के की ज़रूरत पड़ेगी ही करेगी। तो इफ दिस डू दिस, हाँ अब यहाँ पर दूसरा लूप चलाना पड़ेगा, लाइक 6 चलाते हैं और यहाँ पर आई बाई टू कर देते हैं, आई बाई टू प्लस वन, और यहाँ पर करते हैं आई को डिवाइड जी से, करेक्ट, एंड जी आई डिवाइड बाई जी इजिकल टू जीरो, के इजिकल टू के प्लस वन, इफ के इजिकल टू जीरो, एक्स इज अ प्राइम नंबर, हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं या फिर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्स एक्स नॉट एक्स आई, यहाँ पर लिखते हैं आई इज
मैक्स प्राइम फैक्टर फैक्टर ऑफ एक्स है कि नहीं, गेट माय पॉइंट, सी दिस लेसन ऑन इट। तो क्या हुआ, ओके यहाँ पे पहले तो करते हैं ये है ना, ठीक है। बट कोई नंबर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, एक्स वैल्यू डाली ना 20, लिख दो यहाँ पे, उससे क्या मतलब है, 20 हो गया एक्स की वैल्यू, हमें आ गया फॉर आई इन रेंज। ओके गलती हो गई ना एक, हाँ सही तो है, ये 10 हो गया, 10 से हमने चलाया 1 तक, माइनस 1 का स्टेप लगाया, एक्स को डिवाइड किया आई से, डिवाइड हो गया अंदर गए, के की वैल्यू किया 0, और फिर जे की रेंज चलाया 2 से लेके आई डिवाइड 2+1 तक, ठीक है। अगर वो आई जो है वो डिवाइड हुआ 0 से, तो जितनी बार हो गया उतने बार के की बढ़ा देंगे वैल्यू, और के की वैल्यू 0 हो जिस वाई पे, वही आई मेरा मैक्सिमम प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो रन करो, ये है ओके। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रेक, यहाँ लिखता हूँ क्या, ब्रेक, ठीक है। अब रन करो इसको, आ गया 5 है ना, डन। सो सिंपल, ना तो हमने सबको प्राइम चेक किया, कुछ नहीं किया, सबको डिवाइड भी नहीं कराया है ना, हमारा छोटे प्रोग्राम बन गया। अब मेक, लेट्स चेक अनदर नंबर, सपोज लेट्स चेक द 49 चेक करते हैं, सीधे 49 7 होना चाहिए, करेक्ट है। कोई और नंबर चेक करो, छब्बीस चेक करें, कौन सा, हाँ बताओ क्या था, 13 ये था, थर्टी था उसमें, डन। तो ये हमने सबसे छोटे तरीके से बना दिया है ना, मैक्सिमम लाइक मिनिमम, हाँ कोड देख लो, क्लियर सभी लोग को हुआ या नहीं हुआ, तो बढ़िया लगा सभी को, फिफ्टी से अंकित ने बोला 57 चेक करने को, 57 भी एक बार चेक कर लेते हैं, उन्नीस ठीक है ना, 19 57, हाँ ठीक है अंकित, 19 57 सही है, ठीक है जी, इस वर्किंग। 7 डालते हैं, 7 ओके, 7 डालते हैं, 7 तो पहले ही प्राइम है ना, 7 तो पहले ही प्राइम है, 7 क्यों चेक करें यहाँ पे, ये तो यहाँ आएगी नहीं ना, यहीं से निकल जाएगा, डाला तो है, यही तो है प्रोजेक्ट डेवलपर का नंबर, हाँ हाँ वो डाल दूं, आधा घंटा प्रोग्राम रन हो यहीं पे, चलो ठीक है डन। तो विशाल ये वाला नंबर है ना, ये आ तो गया 29, कोई भी नंबर दो है ना, वर्किंग करेक्ट, किसी को दिक्कत, सभी लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पे चले रन। ठीक है क्वेश्चन हम छोटे वाले वाले चलते हैं, ठीक है, बड़ा करते नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा रन होने में, लॉजिक तो सेम रहेगा, रन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको दो दो डिजिट का, दो डिजिट का मतलब तीन चार कितने डिजिट का है, दो डिजिट का है ना, तीन और चार, 56 कितने डिजिट का है, 78 कितने डिजिट का है, 2, ठीक है। तो कह रहे दो दो डिजिट का दो नंबर लीजिए, जैसे तुमने लिया 44 × 32, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो पैलिंड्रोम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए,
पेंडुलम आना चाहिए और क्या होना चाहिए वो मैक्सिमम, क्योंकि हो सकता है आप 1 1 को मल्टीप्लाई करें 1 1 से तो क्या आएगा 1221, ये भी पेंडुलम है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा पेंडुलम होना चाहिए जो कि मैक्सिमम हो। लॉजिक कोई समझ में आ रहा तो बताओ किसी को भी, तो फिर मैं बताता हूँ। वो दोनों का मल्टीप्लाई जो आना चाहिए, एक तो पैलिंड्रोम आना चाहिए। अब बहुत सारे दो दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो पैलिंड्रोम आएगा, लेकिन जो पैलिंड्रोम हमें चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, उससे बड़ा पैलिंड्रोम पॉसिबल नहीं होना चाहिए दो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, दो डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करने पे। जैसे यहां पे हमने लिया 11 11, मल्टीप्लाई किया तो पैलिंड्रोम आया ना, लेकिन ये नहीं है आंसर। वो पैलिंड्रोम चाहिए जो मैक्सिमम हो। यही तो क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? हाँ देखो, ध्यान समझो, यही पे गेम है एक्चुअली, है ना। और सोचो कि सबसे बड़े बड़े दो डिजिट नंबर क्या हो सकते हैं। 99 हो सकते हैं। जरा इसको मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा। करो ना, बताओ ना क्या आ रहा है, कोई बोलो करके। 9801, 4 1 9 9 किसके मल्टीप्लाई करके पाओगी? तुमने कहा तो सही, 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन वो किसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा? तो यही तो कह नहीं, तो क्वेश्चन क्या था, दो डिजिट के दो नंबर से मल्टीप्लाई हो कहना चाहिए। तो गेम यहां पे समझो, देखो कितना शानदार लॉजिक है इसका। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि चलो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोगों का लॉजिक भी बिल्ड हो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ये, और जल्दी कोई करा ना सकता क्लास में सब क्वेश्चन, क्योंकि खुद ही फंस जाएंगे सब क्वेश्चन कराने में। देखो इधर ध्यान से देखो, हमने पता किया दोनों मल्टीप्लाई करने में 9801 आया, आया ना। हमें पता है इससे बड़ा तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है ना, जो दो डिजिट से मल्टीप्लाई को मिले, नहीं पता है ना, पता है इतना। अब हम पता लगा कि यार ये तो पता कर, अब एक काम करते हैं, इसी को पता करते हैं क्या ये पैलिंड्रोम है, क्या पता करते हैं। अगर ये नहीं है, अगर होता तो काम ही होता ना, किसी ना किसी को मिलता है, नहीं है, अगर ये होता तो ठीक है, नहीं होता तो अगला नंबर चेक करते हैं 9800 क्या ये पैलिंड्रोम है क्या है। ऐसे ही जाते जाते थे कि वो नंबर मिल जाए जो पैलिंड्रोम हो, जहां जो नंबर पैलिंड्रोम मिल गया अब उसका फैक्टर निकाल लेते हैं, और जो उसका फैक्टर होगा वही तो चाहिए उसको। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना, वेरी गुड, वेरी शानदार लॉजिक। नहीं समझ में आई? आ गई ना, बहुत शानदार लॉजिक है। हाँ तो जितना भी बड़े फैक्टर हम दो दो डिजिट मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना उसको, हमें सारे फैक्टर मिल जाए, मान लो 2 3 4 5 6 मिल गया तो मल्टीप्लाई होके तो 99 से तो छोटा ही होना चाहिए ना, और एक और 99 छोटा मिलेगा, दो फैक्टर मिल गया ना जिसका सबसे मल्टीप्लाई पॉसिबल बड़ा है। उसने ये थोड़ा ना कहा कि वो यूनिक होना चाहिए, किसी का कुछ भी मुझे क्या मतलब है, मुझे तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो मिला है वो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम मिल गया है। लॉजिक समझ में आया? किसी को समझ में आया लॉजिक? देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला, पहले ही बताओ। हाँ हाँ, कोई नंबर मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो मैं चेक कर देता हूँ कि उसके नीचे कौन सा नंबर जो पैलिंड्रोम है, बिल्कुल। हाँ मतलब नीचे घटता जाऊंगा ना क्या करके, जैसे तुम्हें मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, हमने कहा ऐसा बच्चा ढूंढिए जो हाइट में सबसे हाईएस्ट हो क्लास में, लेकिन उसके मार्क्स भी सबसे टॉप पे होने चाहिए, ठीक है। तुमने कहा यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हाइट में देखो, सबसे हाइट सबसे अधिक किसका है, वाला उसका खड़ा करा है भाई, तब से हाइट में खड़ा हो जा, तेरे नंबर कितने हैं? उन्होंने बोला इतने हैं। अच्छा हाँ हाँ, क्या क्या? हाँ जो भी मिलेगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ऐसे थोड़ा ना प्रोग्राम लिखना है ना उसके लिए, बट हाँ यू आर राइट, कैसे कुछ मिलेगा, 9779 ऐसे कुछ मिल जाएगा, आई थिंक 9889 मिल जाएगा ना, नहीं 980, हाँ करेक्ट, तो आएगा 9779, यही आएगा ना, क्योंकि नंबर देखो ना इधर, ये तो
दिस नंबर इज 9801 ना, तो 9801 हो गया, तो 98 और 8 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसके बाद अब जो आएगा वो 9779 हो सकता है ना, मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना। तो आंसर यू विल गेट, बट हमें ऐसे नहीं पता, हमें तो प्रोग्राम लिखना है ना। हेलो वो होता है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, तो मुझे दो ये हो गया, बट यू हैव टू राइट प्रोग्राम हियर ना, तो बट एनीवे दिस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, बाइनरी सर्च की यूज नहीं, तो बाइनरी सर्च कोई और चीज होता है ना, सर्चिंग इज नॉट द प्रोसेस है ना, सर्चिंग की जरूरत नहीं यहाँ पे, नहीं आपको आधा करने से आपको पता नहीं ना कौन सा पैरेंट रूम मिलेगा, अभी तो आपको दिख गया यहाँ पे जुगाड़ लगा लिया आपने, कल को डेटा कुछ भी हो सकता है ना, सो वी डोंट नो कि विच नंबर इज पैरेंट रूम, तो यू हैव टू गो फॉर द मैक्सिमम, देन यू हैव टू स्टार्ट कमिंग डाउन स्लोली स्लोली, करेक्ट समझ में आई बात। चलो मैं करके दिखाऊं, चलो देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, मैं 2 डिजिट का करता हूँ, 3 डिजिट का आप लोगों का होमवर्क रहेगा, गॉट इट। सो 2 डिजिट का मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो 2 डिजिट का मुझे पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर जो हो सकता है वो यहीं से ले लेता हूँ मैं, और मुझे पता चला वो 9801 है, ठीक है 9101 है ना। अब मुझे क्या करना है, एक वाइल लूप लिखता हूँ मैं, जिसमें x इज इक्वल टू लिख देता हूँ 9801, ठीक है डन क्लियर। अब मान लो वाइल लूप कुछ भी लिख दो, वाइल लूप लिखता हूँ मैं जब तक x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ऐसे करके कुछ लिख देता हूँ, ठीक है मुझे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं सोचा क्यों सकता है नहीं मिले, क्या पता 1 तक आना पड़े, तो मैं ऐसे लिख लिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इज इक्वल टू x, x लिख लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ आगे लिखता हूँ इसके अंदर, ओके बार बार मुझे चेक करना पड़ेगा, आई कम हियर राइट हियर आई राइटिंग रिवर्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या पैलिंड्रोम का मैंने प्रोग्राम लिखवाया आप लोगों को, याद है ना, तो राइट अ पैलिंड्रोम प्रोग्राम, वो क्या होता है, वाइल, याद है ना, वाइल याद है कि नहीं, इसको ना 2 नंबर पर रखना वाई, मान लो कि हमें एक्स को छोटा भी करना है, तो यहाँ पर एक्स लिख लो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल वाई इज ग्रेटर देन 0, ध्यान में करो मैंने लिखवाया है पढ़ाया है पूरा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस वाई रिमाइंडर, यही ले लेता हूँ ना मैं यही, क्योंकि मुझे x को भी डिक्रीज करना है, हर बार चेक करना है x को, है ना, इसलिए तो चाहो तो फॉर लगा लो वहाँ पे, कोई दिक्कत एक ही बात होगी, ठीक है ये हो गया, और फिर मैं लिखा y इज इक्वल टू y, ठीक है डन। अरे सॉरी ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे छोटा करना पड़ेगा y को बार बार, ये पूरा लूप चलता रहेगा, रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ आइए, इफ रिवर्स इज इक्वल टू क्या, इफ रिवर्स इज इक्वल टू एक्स, वेरी गुड, आर यू कैन से वाई ऑल्सो, हाँ एक्स इज करेक्ट है ना, वाई तो छोटा हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, वाई तो 0 हो जाएगा एक्स के बराबर, या ये पी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, पी मैंने जबरदस्ती लिख दिया है ना। तो अगर रिवर्स इज्कल टू एक्स है तो क्या करो, प्रिंट नहीं हमें तो, हाँ हमें नंबर दे दो भैया, नंबर वो मिल जाएगा ना, वो नंबर जो एक्स है, तो यही पैलिंड्रोम है, और नहीं तो क्या करो, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसके बाद ब्रेक कर दो ना, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ब्रेक कर दो, ब्रेक कर जाए हमें एक जरूरत क्या है, नहीं तो क्या करो फिर x को माइनस करो, x इज इक्वल टू x माइनस 1, नंबर को कम करो है ना। तो पहले हम निकाल रहे हैं सबसे बड़ा पैलिंड्रोम नंबर है ना, चलो सर रन इट, देखते हैं क्या होता है, ये नंबर आ गया, यही नंबर एक्चुअली था भी, तो करेक्ट हो गया। अब मुझे इसका क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स अभी निकलवाया है ना, तो करूँ फैक्टर्स का, देखो फैक्टर भी कर लेते हैं कोई बात नहीं है? हाँ फैक्टर निकाल सकते, बिल्कुल वही निकाल सकते हैं हम, चाहे तो यही फैक्टर निकाल सकते हैं, कर सकते हो ना अब कोई, हाँ देख लो जूम करेंगे ना तो ये शायद, चलो हाँ जूम कर देते हैं अब, ठीक है दिख रहा है या? हाँ स्टार्टिंग से ही है बस, x की वैल्यू है ना, हाँ बना दो बना दो बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे,
बट दिस क्वेश्चन इज गुड ना.